जय श्री कृष्णा में सपना सामानी। आज मैं आपको सिंपल सलवार में किस तरह से सल लेते हैं, यहाँ पर सल कैसे डालते हैं और कैसे इसके ऊपर बेल्ट लगाते हैं, मैं आज आपको वो बताऊंगी। तो देखिए मैंने क्या करा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ये सल डाल रही हूँ, आपको बताती हूँ। पहले मैंने क्या करा कि ये दोनों आसन जोड़ लिए, जोड़ करके वापस देखिए ऐसे मैंने वन फोर्थ कर लिया वापस से इस तरह से करके, और यहाँ पे कट लगाना होता है, कट लगा लिया अपन ने। और एक हिस्सा आगे का मान लो, एक हिस्सा आगे का कर लो सीधा करके, जैसे ये मैंने कर लिया, जैसे यहाँ से कट आया था मेरे, देखिए यहाँ से कट आया था, तो मैं ऐसे ऐसे सल ले रही हूँ, इधर एक एक इधर से आएंगे, एक इधर से आएंगे, दोनों तरफ अपोजिट साइड में आके मिलेंगे। तो देखिए मैंने इधर से डाल लिया, अब मैं इधर से डालूंगी, अब इस तरह से ऐसे करूंगी मैं, इस तरह से इधर ले लिए, आप गिनके भी ले सकते हो, जैसे 8 साल इधर ले लिए और 8 साल ऐसे ले लिए। अब पीछे, अब ये पीछे बेक है ना, इस बेक में मैं 2 साल लेऊंगी, देखना अब मैं 2 साल एक ऐसे लेऊंगी और एक ऐसे लेऊंगी, इधर दोनों की तरफ इस तरह से निशान लगे, सल लगेंगे ऐसे जाएंगे और ये इधर के ऐसे आएंगे, बीच पीछे मैंने 2 डाल दिए हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अपना काम हो जाएगा। अब मैं बेल्ट लगाऊंगी, बेल्ट में देखिए मैं ऐसे लगाऊंगी, मैंने ना पूरी बेल्ट को तैयार कर लिया, मैंने 5 इंची कंप्लीट रखी है, नेफा भी फोल्ड कर लिया, यहाँ से सिलाई लगा दी। अब मैं यहाँ से ऐसे ऐसे एक बार ऐसे नाप के देख लो, ऐसे करके देख लो, ऐसे कर देखो बिल्कुल फिक्स आ रही है बेल्ट, इस तरह से करके अब इसको ऐसे कर देंगे, जैसे ये आगे का हिस्सा है ऐसे इस आगे के हिस्से को, यहाँ नेफे वाले हिस्से को इस सिलाई के ऊपर ऐसे रख देंगे, ऐसे रख करके और पूरी सिलाई लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये सल आएंगे, ऐसे बेल्ट आ जाएगी, इस तरह से अपने पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। अब नीचे की मोरी ऐसे करके यहाँ से सिलाई लगा करके पूरी सलवार अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत अच्छी तरह से बना लोगे। थैंक यू गाइस।